Hello guys, let's crack UPSC CSE. And myself, Mukesh Kumar Singh, and today I'm going to discuss about method of birth control and human twins. तो आज का ये जो सेशन है ये जनरल साइंस का टॉपिक है, साइंस टेक से जुड़ा हुआ है और UPSC का ये क्वेश्चंस बड़ा फेवरेट बन जाता है। कई दफ़ा तो आप लोग देखते हो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और इसमें लोग वैक्सीन लगवाने से भाग रहे हैं, लोगों को डाउट है कहीं ये वैक्सीन कि ऐसा ना हो कि उनका जो अगला पीढ़ी है वो नहीं आ पाए। तमाम तरह का र्यूमर्स हैं इससे जुड़ा हुआ। फिर वैसे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई बर्थ कंट्रोल को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कई दफ़ा सोशल मीडिया में आप लोग देखते हो कि इसके क्या क्या नेगेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस पर काफ़ी चर्चा होता है। और पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक तरफ जीत पे अड़ा हुआ है, ठीक है, उसका भी बात करेंगे। और आजकल ये भी देखते हैं कि जो ट्विंस हैं इसका जो टेंडेंसी है जो ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन में ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इस पर जो शहरीकरण है या जो अदर क्या वो कारण्स हैं जो ट्विंस के ज़्यादा से ज़्यादा होने का, तमाम इन्वेस्टिगेशन को हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप सब लोग क्लास को देखते रहिए। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, जैसा कि अन अकेडमी के विषय में आप लोगों को जानकारी भी होगा कि अन अकेडमी आज कई सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फील्ड में आज अच्छा कर रहा है और इंडिया का आज बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि इससे कई सारे बच्चे चाहते हैं कि जुड़ना, एडमिशन लेना, उनको पता नहीं होता है कैसे एडमिशन ले कैसे। तो आज मैं पहले आप लोगों को दो तीन सारा चीज़ जो अन अकेडमी का जो अनाउंसमेंट है मैं पहले वो कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो आई विल टेक योर 4 to 5 मिनट इन ऑर्डर टू कम्प्लीट वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर ऑफर्ड बाई अन अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स। तो एज यू ऑल नो कि अन अकेडमी से जुड़ने के लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब है एडमिशन या इनरोलमेंट। जब आप इसको ले लेते हो तो आप यहाँ पे डेली लाइव क्लास कर सकते हो, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आप लाइव टेस्ट और क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे और आप वीडियोस जो हैं वो आप जो लाइव वीडियो हैं उसको भी ले सकते हो और रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे आप मोबाइल से या आपके पास जो लैपटॉप है उससे आप देख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करना होगा। और एक बार जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं तब जाकर के यहाँ पे फिर आपको तमाम तरह की जानकारी, जैसे मैं अपने पहले बता दूँ कि भाई मैं कौन हूँ जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो माई सेल्फ मुकेश कुमार सिंह वर्किंग एज ए फैकल्टी ऑफ UPSC CSE सिंस 2004 टीचिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल्स एंड GS साइंस टेक जनरल साइंस एंड इकोलॉजी एनवायरमेंट। आई हैव अपीयर्ड इन UPSC CSE एग्जामिनेशंस एंड करंटली आई एम वर्किंग इन दिल्ली एज ए फैकल्टी एट सेवरल मोस्ट रेपूटेड अकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसमें आकर आप कमेंट कर सकते हो और यहाँ पे जुड़ करके आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप 100 से अधिक जो एजुकेटर्स हैं उनसे आप अपना पढ़ाई का जो सपोर्ट्स हैं जो क्लासेस हैं उनका वो कर सकोगे। कुछ लोग उसमें सेलेक्टेड भी हैं। इसके अलावा अन अकेडमी आप लोगों को कई तरह के कोर्सेज ऑफर कर रहा है जो दो फॉर्मेट में, एक प्लस है एक आइकोनिक है। प्लस में आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपको मिलेगा लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसमें आज जो फी दिया हुआ अलग अलग ड्यूरेशंस का, इस फी में आपको इस कोड को यूज़ करने के बाद MTS1 को आपको इमीडिएट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के बाद ये फी जो घट जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे पहले ये फी था और बाद में ये फी हो गया। और इसका जो इंस्टॉलमेंट भी है ये इसके थ्रू भी आप इसे पढ़ सकते हो। तो मैंने महीने का आपको 3,713 रुपये लगेगा, 3,713 रुपये लगेगा और ये आपके लिए फी है। दूसरा वैसा ही एक आइकोनिक है जो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल चाहते हैं कि उनको एक ऐसा गाइडलाइंस मिले जिसमें सब कुछ मिल जाए उनको, चाहे PT हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, चाहे क्लासेस हों, चाहे टेस्ट हों, इस उन बच्चों के लिए है। और इसमें क्या है, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने का अलग अलग ड्यूरेशंस हैं, इसमें कोर्स हैं, उसका फी दिया हुआ है। और यहाँ भी इसी कोड को यूज़ करके MTS1 को आप यहाँ भी 10% का अपना कॉन्सेशन ले सकते हो। और उस फी को भी आप चाहो तो जो यहाँ पर देख पा रहे होगे इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है।
अब इसके अलावा ऑप्शन भी वही बातें हैं कि फी ड्यूरेशन अलग अलग हैं और फी में आपको डिस्काउंट के लिए आपको स्कोर का यूज करना है, फी आपका घट जाएगा 10%। अनाउंसमेंट ये करना था कि अनअकैडमी अभी कई सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में एक टेस्ट सीरीज है प्रकार का ये, जिसको आयोजित कर रहा है, जिसका आज ही एक टेस्ट हुआ था 11 बजे से, शायद आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे। तो आगे से जो चूँकि अल्टरनेट संडे पे होता है ये, तो अगला संडे के बाद जो संडे आएगा उस पर होगा दूसरा टेस्ट, उसमें इनरोलमेंट करके आप क्या कर सकते हो कि इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट के समय में 60 क्वेश्चन होगा लगभग, इसको दे करके आप ऑल इंडिया लेवल पे अपना रैंक को जान सकते हो। अच्छा, इसमें अगर आप पहले 3 में आते हो तो आपके लिए कुछ अवार्ड भी हैं, जैसे 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फ्री में, और जो जिनका रैंक 4 से 150 के बीच में होगा उन बच्चों को 1000 रुपये का ये अमेजन का वाउचर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि नए बैचेज के विषय में, भाई नए बैच 2021-22-23 के लिए अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है, सारे बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट होगा। तो तमाम फैकल्टीज़ हैं जिनके जिनमें से किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लेते हो, और अगर बाय द वे वो ग्रुप पसंद नहीं आया आपको तो आप ग्रुप चेंज भी कर सकते हो और फिर आप दूसरे ग्रुप में जाकर के एडमिशन लेकर के अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकोगे। इसके बाद हम बात करें कि अनअकैडमी का एक कॉम्बो ऑफर जिसमें प्लस और आइकोनिक को मिला करके तैयार किया गया है, जिसका फी दिया हुआ है, और इसमें से भी जुड़ करके आप काफ़ी सारा एडवांटेज ले सकते हो। एक तो मात्र 88,705 रुपये में आपका फी घट के हो जाएगा, और इसमें आपको ऑप्शनल जीएस दोनों कराया जाएगा 1 साल के लिए, यहाँ भी 70,000 में ही है। तो प्लस और जीएस का प्लस दोनों का, जो जीएस या जो ऑप्शनल्स हैं दोनों के जो प्लस का जो फीचर्स है इसमें मिलाकर के 70,000 में कराया जा रहा है। इस वाले में आइकोनिक के जीएस का फीचर्स होगा और प्लस का ऑप्शन का फीचर होगा, और उसका फीस 88,000 रुपये रखा गया है। आप इसमें से किसी को चुन करके आप अपना एडमिशन ले सकते हो और अनअकैडमी से जुड़ करके अपनी तैयारी को आप कर सकते हो घर से ही। इसके अलावा ये जो बैच है जो हमने फी बताया आप लोगों को, ये 25 जनवरी के बाद बढ़ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट होते हो या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पर जो मैंने रेफरल कोड आप लोगों को बताया MKS1, ये कोड अगर यूज करते हो MKS1 तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस स्पेशल क्लास वो कर सकोगे। जैसे मेरा स्पेशल क्लास आज ही है, शाम में 6 बजे से है, इसमें मैं जेनेटिक्स पे क्लास लेने वाला हूँ, चल रहा है लगातार। तो आप लोग चाहो तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, तो कोड यूज़ कर लेना आप लोग MKS1, एग्जाम वाले क्लास में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकोगे। अब चलते हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक आज का हम लोग का है मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड ट्विंस। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, और मैं देख ले रहा हूँ कितने बच्चे देख रहे हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन लिख दीजिएगा ताकि मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। सुनीता गौतम, हाँ सुनीता, मैथ की क्लास भी होती है, पर मैथ की क्लास अलग अलग लोग लेते हैं, और वो टाइम अब स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे ये क्लास भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है सुनीता, हाँ शायद आप समझ पा रही हैं, और अगर आप प्रॉपर मुझे सुन पा रही हैं तब तो ठीक है, अगर आप नहीं सुन पा रही हो या तो आप बिल्कुल रिप्लाई लिखिए। मैथ की जो क्लास आपने कहा है ये क्लास भी आप लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, सारे क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेट इस संबंध में कि भाई अभी सी सेट का भी टाइम आ चुका है, तो ये बात भी कही है कि जब सी सेट का टाइम आया है तो बिना मैथ के तो कुछ होना नहीं है, इसलिए मैथ की क्लास तो निश्चित बात है कि मैथ क्लास होगा ही होगा। उस क्लास में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, या वीडियो यूट्यूब पर आ सकता है, या स्पेशल क्लास से आप जुड़े रहिए तो आपको तमाम जानकारी इस मैथ के रिगार्डिंग भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है सुनीता, तो चलिए सामने आप लोग देख रहे हैं आज का टॉपिक है मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड ट्विंस। तो पहले आप लोग डिसाइड करो कि मैं किस टॉपिक से क्लास स्टार्ट करूं, और उसी हिसाब से मैं क्लास आज का स्टार्ट करूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो आप लोगों को, उस क्यूरीज को पहले पूछ लीजिए ताकि क्लास जब हम स्टार्ट करें किसी बच्चे को कोई डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, और जैसा मैंने अभी शुरू में कहा था कि कोरोना का अभी वैक्सीन का कल ही मैं देख रहा था कि इंडिया का जो लार्जेस्ट कैंपेनिंग है कोरोना वैक्सीन के रिगार्डिंग वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वहाँ भी कई तरह के ऑब्स्टेकल्स लोगों ने लगा दिया हुआ है कि वैक्सीन जो है कहीं ख़तरनाक तो नहीं है, या इस वैक्सीन से कहीं असर तो नहीं होगा कि लोगों की जो अगला जो पीढ़ी है वो नहीं हो पाए, और इस प्रकार से ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक जरिया तो नहीं है, तमाम तरह का जो है लोग कन्फ्यूजन ये हैं। अब जरा सोच कर देखो
इस वैक्सीन को बनाने में 1 साल का समय लग गया लोगों को। इस वैक्सीन को अप्रूव्ड किया है WHO ने, इस वैक्सीन को अप्रूव्ड किया है DGCIA ने, इस वैक्सीन को सबसे पहले एम्स के डॉक्टर तक जो है, जो डायरेक्टर्स हैं वो ले रहे हैं। उस वैक्सीन पे अगर सवाल कोई खड़ा करता है तो इससे बड़ा बेकार सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और गवर्नमेंट हो, साइंटिस्ट हो, एक बात आप सब जानते हो, कभी भी कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लीडर्स, कोई भी डॉक्टर्स अपने यहाँ के, अपने घर के लोगों के लिए क्या ऐसा कुआं खोदेगा, या ऐसा वैक्सीन लाएं, क्या इस वैक्सीन से उनके बच्चे नहीं पीड़ित होंगे, क्या वो खुद पीड़ित नहीं होंगे? इसलिए ये सब बिल्कुल एकदम से र्यूमर हैं, और से र्यूमर्स पे नहीं जाना है। और आपके आस पड़ोस में भी कोई लोग हों और जिनको भी इस तरह का डाउट हो, भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो जुड़वा जो शरीर के किसी भाग में जुड़ा हुआ हो, और वो मोनोजाइगोटिक भी हो सकता है, वो डाइजाइगोटिक भी हो सकता है, लेकिन शरीर का कोई भाग अगर जुड़ा हुआ है तो वैसे ट्विन्स को बोलते हैं, साइमेज या जुड़ा हुआ जुड़वा। 3 तरीके से जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अब यहाँ पे कई दफ़ा सवाल बनता है, क्या ये प्लासेंटा को शेयर करता है या नहीं? देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, आइडेंटिकल ट्विन्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग हैं। ये एक एग है, यहाँ पे एक स्पर्म है, ये स्पर्म इस एग से फर्टिलाइज किया, बना ये जाइगोट। जाइगोट में देखो यहाँ पे अर्ली एम्ब्रियो है, ये जाइगोट में ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके 2 आकार लिया। अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, यहाँ पे दोनों बच्चे देखो, यहाँ पे सेपरेट प्लेसेंटा है, इसका प्लेसेंटा ये अलग है, इसका प्लेसेंटा अलग है। यहाँ पे देखो ये कंडीशन ये भी हो सकता है, ये जो प्लेसेंटा है अर्ली एम्ब्रियो में, ठीक है जी, ठीक है ना, वो स्प्लिट कर जाए और ये प्लेसेंटा को शेयर भी कर सकता है। तो शेयर्ड प्लेसेंटा एट सेपरेट इनर स्पेस। और यहाँ पे थर्ड केस है, थर्ड केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इम्ब्रियो है तो इम्प्लांट हुआ है, लेकिन प्लेसेंटा इनका जो है वो आपस में वो शेयर हो भी सकता है इनर सेक्स से, और वो नहीं भी हो सकता है। तो 3 केस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि प्लेसेंटा शेयर्ड भी होता है, प्लेसेंटा अनशेयर्ड भी होता है। फिर प्लेसेंटा वो ट्यूब है जिसके द्वारा माँ से बच्चों को फूड और गैसेस आता है, और बच्चों से माँ में वेस्ट और जो वो जाता है। और इस प्रकार से मदर और फीटस के बीच का ये ट्यूब है जिससे बच्चों का पालन पोषण होता है, और बच्चे के शरीर में जो भी वेस्ट बनता है वो माँ के शरीर से फिर पुनः बाहर निकल जाता है। ये आज का सेशन था। सारे लोग इसमें, जो लोग वीडियो को देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस कोड को यूज़ कीजिए। और शाम में 6 बजे क्लास चलती है, स्पेशल क्लास, वहाँ पे इसी कोड को यूज़ करके आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे इस कोड का फ़ायदा होगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेशल क्लास होगी, स्पेशल क्लास बड़ी अजीब होती है और ये कई गुना बेहतर होता है यूट्यूब से। तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन कीजिए स्पेशल क्लास को, और डिस्काउंट जितना जल्दी हो आप 25 तारीख से पहले लेकर के अपने एडमिशन को आप कन्फर्म कीजिए, और अपनी तैयारी को आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए एक मुकाम आप देने का प्रयास कीजिए। चलिए, थैंक्स एवरीवन, बाय।